नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शादी एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है जिंदगी का। यूं कहिए कि आज की तारीख में शादी एक इवेंट की तरह एक सेलिब्रेशन बन चुका है। लेकिन अगर दूल्हा भारत में ना हो, अमेरिका में हो और दुल्हन भारत में हो, तो फिर कैसे शादी होगी? अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप चौंक भी सकते हैं। शादी ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसा कि इनकी हुई है। दुल्हन भारत में है, दूल्हा अमेरिका में है और शादी हो गई ऑनलाइन। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है, सच्ची शादी है, सच्ची बात है। और ऐसा भी नहीं है कि शादी नहीं हुई है, इसकी शादी खुद हाई कोर्ट ने दी है। ये मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इस मामले में फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने दिया है। ऑनलाइन या वर्चुअल शादी का कंसेप्ट भले ही नया है, भले ही चौंकाने वाला है, लेकिन भारतीय कानून में इसकी इजाज़त है। स्पेशल मेरिट एक्ट में ऑनलाइन मीडियम से शादी करने पर रोक नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की वासिनी सुदर्शनी को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राहुल मधु से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए राहुल भारत आया। फिर दोनों ने इसी साल 5 मई को कन्याकुमारी जिले के मानव लकुरिजी स्थित सब रजिस्ट्रार के यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया। 12 मई को एक नोटिस पब्लिश किया। राहुल के पिता और एक और व्यक्ति ने इस शादी को लेकर के आपत्ति जता दी। मैरिज ऑफिसर मामले में इस जांच पे नोटिस लिया गया और उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो आपत्तियां हैं इन दो लोगों की, ये ठीक नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का अनिवार्य पीरियड 12 जून को पूरा हो गया था। लड़की और लड़का 13 जून को मैरिज ऑफिसर के सामने प्रस्तुत होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से ऑफिसर उस दिन शादी नहीं करवा पाए। फिर वीज़ा वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज थी, उसकी वजह से राहुल को वापस लौटना पड़ा। वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकता था भारत में। इसके बाद राहुल से ऑनलाइन शादी करने के लिए सुदर्शनी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। सुदर्शनी ने कोर्ट से अपनी अपील में कहा कि वे अथॉरिटीज़ को स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत उसकी शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने का आदेश दिया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने भारत में मौजूद सुदर्शनी और अमेरिका में मौजूद राहुल को ऑनलाइन शादी करने की इजाज़त दे दी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 दोनों पक्षों को शादी के किसी भी स्वीकृत रूप को अपनाने का विकल्प देता है। इस मामले में दोनों पक्षों ने ऑनलाइन मीडियम चुना और कोर्ट ने कहा कि दूल्हा ऑनलाइन उपस्थित रहेगा और स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा करने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में ये कहा भी गया है कि शादी दोनों पक्षों द्वारा चुने गए किसी भी माध्यम से हो, लेकिन शादी हो सकती है। सुदर्शनी और राहुल के मामले में ये माध्यम था ऑनलाइन। कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिला के चलना चाहिए। इस कपल द्वारा चुना गया ऑनलाइन मोड से शादी का विकल्प कानूनी रूप से मान्य है। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 12 में शादियों की जगह और माध्यम, यानी कि किस किस तरह से शादियां की जा सकती हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया है। शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में या वहां से उचित दूरी के अंदर ऐसे स्थान पर जैसा कि दोनों पक्ष चाहें,
या ऐसी शर्तों पर और अतिरिक्त फीस देकर के की जा सकती है। शादी किसी भी रूप में की जा सकती है जिसमें दोनों पक्ष खुश हों, दोनों पक्ष उस तरीके को चुनना चाहें, लेकिन ये शादी तब तक पूरी और दोनों पक्षों पर लागू नहीं होगी जब तक प्रत्येक पक्ष मैरिज ऑफिसर और तीन गवाहों की मौजूदगी में एक दूसरे पक्ष को समझ आने वाली भाषा में एक लाइन है कानून में कि मैं फला को अपनी पत्नी मानता हूँ यह ना कहे, तब तक ये मैरिज जो है पूरी नहीं होती। यानी कि वर्चुअली लड़का जो है लड़की को कह देता है कि वो उसे अपनी वैध पत्नी मानता है। मद्रास हाई कोर्ट ने सुदर्शनी और राहुल की ऑनलाइन शादी को मान्यता स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के क्लॉज 2 में दी है। इसमें साफ कहा गया है कि लड़का और लड़की शादी के लिए जिस भी रूप को चुनना चाहे चुन सकते हैं। दोनों पक्ष जिस क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से निवास कर रहे हों उस जिले के मैरिज रजिस्ट्रार को शादी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। दोस्तों ये आप गौर करिए कि इस शादी को किस तरीके से अगर ज़रूरत पड़े आपको तो आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, दोनों पक्ष जिस क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से निवास कर रहे हों उस जिले के मैरिज रजिस्ट्रार को शादी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। इस एक्ट के सेक्शन 6 और 7 के अनुसार शादी एप्लीकेशन के बाद उसका नोटिस पब्लिश होता है और नोटिस के 30 दिन के बाद शादी हो सकती है। ये नियम ऑलरेडी है, बशर्ते इसे लेकर के किसी को आपत्ति ना हो। जनवरी 2021 में दिए अपने एक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कपल ना चाहे तो शादी का पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। ये भी है क्योंकि इससे उनके मौलिक अधिकारों और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। 30 दिन के बाद शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज ऑफिसर और तीन गवाहों की मौजूदगी में हो सकती है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खास तौर पर सिंगापुर और पाकिस्तान के हनफी मुस्लिमों का उदाहरण दिया जहां पर ऑनलाइन शादी की इजाज़त है। मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगापुर का भी हवाला दिया जहां कोरोना की वजह से टेम्परेरी मेजर्स फॉर सोलमनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2020 बनाया गया। इस एक्ट में सिंगापुर में शादी के एलिजिबल कपल को रिमोट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ऑनलाइन शादी करने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि कानूनी घोषणाएं भी ऑनलाइन ही की जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट के जज ने कहा कि पाकिस्तान में हनफी मुस्लिमों को स्काइप और यानी कि किसी भी वर्चुअल सिस्टम से शादी करने की इजाज़त है। इस्लाम में आमतौर पर निकाह या शादी ऑनलाइन करने पर रोक है, लेकिन कुछ मुस्लिम कुछ शर्तों के साथ ऑनलाइन शादी की इजाज़त देते हैं। दरअसल इस्लाम में शादी के मान्य होने के लिए निकाह के इजाब और उसे कबूल करने के लिए कम से कम 2 गवाहों का शादी के समय मौजूद रहना ज़रूरी है। हनफी मुस्लिम ऑनलाइन शादी के लिए एक वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं। इसमें एक दूसरे के पक्ष के किसी भी व्यक्ति को 2 गवाहों की मौजूदगी में और अपनी ओर से शादी का प्रस्ताव रखने या स्वीकार करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देश में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वीडियो कॉल या ऑनलाइन शादी आम लोगों के लिए वैध है। यही बात सुदर्शनी के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने भी कही, लेकिन किसी के लिए भी ऑनलाइन शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बताई गई प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैंने आपके लिए इसलिए बनाया ताकि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े, कभी आपका पार्टनर देश से बाहर हो या वो उस समय प्रस्तुत ना हो सके तो वर्चुअली शादी भी इस एक्ट में हो सकती है। अच्छा तो ये होगा कि जैसे शादी होती है धूमधाम से आप वैसे ही करें, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप वर्चुअली शादी भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन शादी कर सकते हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये मेरी जो स्टोरी है आपको कैसी लगी, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।